नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान फैंस शाहरुख खान की फिल्म अनाउंसमेंट के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसके चलते बहुत सारे डायरेक्टर के नाम सामने आया था, जैसे कि राजकुमार रानी, एटली कुमार, राजचंडी के लगभग कंफर्म है कि इन तीनों में से किसी न किसी एक की फिल्म सबसे पहले अनाउंसमेंट होगा और ऐसे में नंबर सबसे पहले एटली कुमार और राजकुमार ईरानी का है। लेकिन आपको एक बहुत ही बड़ा बात कहने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि राजकुमार और एटली की फिल्म से बहुत ही बड़ा एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। तो क्या है वो कनेक्शन, वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, 2 नवंबर को एटली की स्क्रिप्ट इनकम्प्लीट होने की वजह से शाहरुख सर ने अनाउंसमेंट नहीं किया। उसके बाद आप सभी को पता है कि राजकुमार ईरानी कभी भी आधा अधूरा काम लेके फ्लोर पे नहीं उतारते हैं। तो दोनों स्क्रिप्ट, दोनों डायरेक्ट पूरी तरीके से प्री प्रोडक्शन की काम निपटा के एक साथ फिल्म फ्लोर में उतार सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूँ, राजकुमार ईरानी और एटली कुमार की फिल्म एक साथ फ्लोर में उतारने वाले हैं, ये बहुत ही बड़ी अंदर की सोर्सेस से मुझे पता चला। सबसे पहले आपको बता दूं, इन दोनों डायरेक्टर अपनी प्री प्रोडक्शन काम सब कुछ तमाम करके शाहरुख खान के साथ फिल्म में अनाउंसमेंट कर सकते हैं और अप्रैल में शायद इसकी पुष्टि हो जाए। दूसरी बात आपको कह दूं कि शाहरुख खान मल्टीपल फिल्म, मतलब दोनों फिल्म की शूटिंग शेड्यूल एक ही साथ एक ही महीने से शुरू करने वाले हैं। भले राजकुमार ईरानी की फिल्म में टाइम और वक्त बहुत ज्यादा लग जाए, लेकिन शूटिंग बहुत जल्द दोनों की एक साथ शुरू होने वाले हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एक धमाकेदार बात है कि शाहरुख खान मल्टीपल फिल्म की शूटिंग एक साथ करने वाले हैं, जो राजकुमार ईरानी और एटली कुमार की फिल्म है। तो देखते हैं कब तक ये न्यूज ऑफिशियली सामने आते हैं या फिर कौन से एक डायरेक्टर होंगे जिसकी फिल्म सबसे पहले फ्लोर में जाए या अनाउंसमेंट हो। तो आप लोग इतने एक्साइटेड हैं कि शाहरुख खान और राजकुमार ईरानी और एटली कुमार के साथ एक ही शेड्यूल में शूटिंग करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।